फ्रेंड्स, अगर आपके पास सब्जी नहीं है डोंट वरी, चलिए आज बनाते हैं टमाटर और सेव की सब्जी। चार टमाटर मीडियम साइज के काट लिए हैं, दो टमाटर का पेस्ट बना लिया है, एक कटोरी हरा धनिया लिया है, थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, चार हरी मिर्च को काट लिया है और हमने लहसुन ले लिया है, 8 लहसुन को हमने स्लाइस कर लिया है, ऑयल ले लिया है हमने 2 बड़े चम्मच, ये सब्जी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। ऑयल गर्म हो गया है, हमने अभी इसको सिंपल कर दिया है। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच राई, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, लहसुन, अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, कश्मीरी मिर्च डालेंगे 1 चम्मच ताकि इससे उसका कलर अच्छा आ जाए। अब हम इसमें अपने टमाटर डाल देंगे जो हमने काट के रखे हैं, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको सिम पर 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए हो चुका है। अब इसमें हम धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 कटोरी हमने जाड़े सेव ले लिए हैं जो हम फाइनली उसमें डालेंगे। देखिए धनिया जीरा हमारा भून चुका है। अब हमने जो पेस्ट बनाया था 2 टमाटर का वो हम इसमें डाल देंगे, इसको भी हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर रख देंगे। फिर हम इसमें सेव डालकर गार्निश करेंगे हमारी कोरिएंडर से। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप। अब इसके अंदर हम फाइनली सेव डालेंगे गार्निशिंग के लिए, कोरिएंडर डालेंगे, मिक्स कर देंगे और हम इसको 1.5 मिनट के लिए सिम पर ढक करके कुक करेंगे। देखिए रेडी हो चुकी है। अब बस इसे डिश आउट करिए और आप चपाती के साथ सर्व कर दीजिए। 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए।